subscribe to our channel and hit the bell icon ताकि आपको regularly educational updates मिलते रहें. Hello everybody, welcome back to my channel Education Panacea. My name is Bhanu Pratap. So, आज मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपके साथ केस लॉज डिस्कस करूंगा. मैं पहले ही बता दूं कि कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मेरे चैनल पे अभी तक कोई वीडियो नहीं है. पर्टिकुलरली मेरे चैनल पे आपको कंपनी लॉ की वीडियोस मिल जाएंगी, लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल लॉज की वीडियोस मिल जाएंगी, मगर कॉन्ट्रैक्ट पे मैंने नहीं बनाई. तो मैं पहली वीडियो स्टार्ट ही करना चाहूंगा केसेस के साथ. तो जो भी लोग LLB, CS, CS, BCOM कुछ भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको ये केसेस बहुत ज्यादा हेल्पफुल और बहुत ज्यादा कारगर साबित होंगे. तो जरा शुरू करते हैं सबसे पहली जजमेंट से. सबसे पहले जजमेंट आप स्क्रीन पर नाम देख सकते हैं, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक कंपनी. इसमें एक कंपनी थी जो दवाई बनाती थी. उसने कहा कि एक इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी बड़ी फैली हुई थी उस टाइम. तो उसने एक जनरल ऑफर निकाल दिया, जनरल एडवर्टीजमेंट निकाला पेपर में, कि हमारी दवाई को कंज्यूम करने के बाद भी अगर किसी को वो बीमारी हो जाती है, मतलब वो प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट का प्राइस देंगे. तो इट वॉज अ जनरल ऑफर. जनरल ऑफर से मेरा कहना है कि एक आम जनता को, एक जनरल पब्लिक को ये बात एडवर्टीजमेंट के थ्रू कह दी गई. और जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं वो ये बात जानते होंगे कि अगर कोई ऑफर जनरल है, अगर कोई ऑफर का नेचर जनरल है, तो उसको एक्सेप्ट कोई भी कर सकता है. दैट मींस कि एक जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन, आई मीन टू से एनीवन. तो हुआ क्या कि एक लेडी थी, उसने दवाई खरीदी एक दुकान से, वही पर्टिकुलर उसी कंपनी की दवाई खरीदी, स्मोक बॉल्स थी वो. और दवाई को कंज्यूम करने के बाद भी उस लेडी को प्रॉब्लम हो गई, दैट मींस उसे वो इन्फ्लुएंजा हो गया दवाई को कंज्यूम करने के बाद भी. इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि लेडी ने कंपनी को कुछ नहीं बताया था कि मैंने दवाई खरीदी नहीं खरीदी, लेडी ने दुकान पे खरीदी, जाके कंज्यूम कर ली. अब उसको जब दवाई कंज्यूम करने के बाद भी प्रॉब्लम हो गई, तो वो कंपनी के पास अपना प्राइस लेने के लिए पहुंची. कंपनी ने तो बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट, बड़े बड़े दावे किए हुए थे. तो हुआ क्या, कंपनी ने बोला कि हम आपको क्यों दें, पहली बात आपने हमारा ऑफर एक्सेप्ट कहां किया है, आप जनरल पब्लिक नहीं हो. काफी सारी कंटेंशंस कंपनी ने दी. तो इस पे कोर्ट का क्या डिसीजन रहा, अब हम उस पे बात करते हैं. कोर्ट ने कहा कि सबसे पहली चीज, आपने जब ये एडवर्टीजमेंट निकाला, ये एक जनरल एडवर्टीजमेंट था. दूसरी चीज कि उस लेडी को ये जाके कंपनी को बताना जरूरी नहीं था कि मैंने आपकी दवाई खरीद ली, मैंने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया. अगर उसने वो दवाई खरीद के कंज्यूम करी है, तो इसका मतलब सीधा सीधा यही बनता है कि उस जनरल ऑफर की उस लेडी ने, उस कार्लिल ने एक्सेप्टेंस दे दी है, और अब कार्लिल को बीमारी हो गई है. तो आपने जो एडवर्टीजमेंट में दावा किया था कि आप इनाम देंगे, वो अब आपको देना पड़ेगा. तो ये कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक की जजमेंट है. दूसरी जजमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. इसमें हुआ क्या, एक बंदा है, एक ग्रैंडफादर है, उनका पोता गुम जाता है, मतलब कहीं गुम गया है. तो ग्रैंडफादर का एक सर्वेंट भी है. तो सर्वेंट अपना नौकर धर्म निभाने के लिए, कि मेरे मालिक का ग्रैंडसन गुम गया है, तो उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है. इसी बीच जब सर्वेंट निकल चुका है, सर्वेंट को कोई जानकारी नहीं है कि उसके पीछे क्या हो रहा है, सर्वेंट अपना उस बच्चे को ढूंढने के लिए निकल गया. इसी बीच उस ग्रैंडफादर ने अखबार में एक नोट निकलवा दिया कि जो भी मेरे ग्रैंडसन को, जो भी मेरे पोते को ढूंढ के लाएगा, मैं उसे 501 रुपए का इनाम दूंगा. ये इनाम की घोषणा उसने कर दी. लकीली बाई चांस हुआ क्या कि उस सर्वेंट को ही वो ग्रैंडसन मिल गया. वो लेके अपना उसने जाके ग्रैंडफादर को सौंप दिया कि लीजिए सर आपका ग्रैंडसन. अब फर्दर आगे क्या हुआ कि सर्वेंट को पहले उस ऑफर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. जब उसने ग्रैंडसन को लाके, ढूंढ के लाके दे दिया, उसके बाद उसे कहीं से खबर लगी कि भैया इस पे तो 501 रुपए का इनाम था. तो इसने अपने मालिक से बोला कि मालिक 501 रुपए तो मेरे को मिलना चाहिए, क्योंकि आपने तो जनरल ऑफर दिया था. तो कोर्ट ने यहां पर क्या डिसीजन दिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कोर्ट ने कहा कि सर देखिए, ऑफर जनरल था, कोई भी दे सकता था इसका एक्सेप्टेंस, मगर उसके लिए सबसे पहले ऑफर का कम्युनिकेट होना तो जरूरी है. जिस इंसान को ऑफर की कम्युनिकेशन ही नहीं है, जिस इंसान को ऑफर की जानकारी ही नहीं है, तो आप और हम ये कैसे कह सकते हैं कि उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया. दैट मींस कि इस केस में जो लॉ लेट डाउन हुआ, वो ये कहा गया कि अगर ऑफर का कम्युनिकेशन नहीं हुआ है ऑफरर के द्वारा ऑफरी को, तो उस केस में एक्सेप्टेंस अगर दी भी जाती है, तो वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगी, क्योंकि ऑफर की, कॉन्ट्रैक्ट की सबसे पहली सीढ़ी ही ऑफर होती है. और उस ऑफर की सीढ़ी में भी सबसे पहली सीढ़ी होती है उसका कम्युनिकेशन होना, कि जिस बंदे को आप ऑफर दे रहे हो उसको पता तो होना चाहिए कि आपने ऑफर दिया. कोई चीज बाय चांस हो गई और आप बोलिए कि नहीं नहीं मैंने किया था, मेरे को तो पहले से पता था, दिस इज नॉट द लॉ. तो इस केस में बेचारे उस नौकर को कोई इनाम नहीं मिला. तीसरी जजमेंट,
जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीन पे नाम उसका देख सकते हैं। उसका नाम है हार्वे वर्सेस फेसे। उसमें हुआ क्या, अब मान लीजिए मैं दो इंसानों का एग्जांपल लेता हूं, एक खुद का और एक मेरे दोस्त का। मैंने अपने दोस्त को एक चिट्ठी लिखी, एक कागज लिखा, मैंने लिखा कि विल यू सेल योर पेन, पॉइंट नंबर वन। दूसरा क्वेश्चन मैंने उसे लिखा कोट मी द प्राइस। कोट मी द प्राइस मतलब मुझे उसका प्राइस बताओ। पहला दो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, हार्वे वर्सेस फेसे में। पहले मैंने लिखा विल यू सेल द पेन, दूसरे में मैंने लिखा कोट मी द प्राइस मतलब उसका प्राइस बता दो मुझे। तो उस केस में उस बंदे ने, मेरे दोस्त ने मुझे रिप्लाई किया उस पेन का सिर्फ प्राइस। उसने मेरे को यह नहीं रिप्लाई किया कि वेदर ही विल सेल मी द पेन और नॉट सेल मी द पेन। अब ध्यान से समझिए, मैंने ये एज्यूम कर लिया कि उसने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, कि मतलब उसने मेरा, वो अपना पेन बेचने को भी राजी हो गया है, और मैं उससे पेन लेने चला गया। अब मेरे दोस्त ने बोला भाई मैंने तो तुझे सिर्फ प्राइस बताई थी। मैंने बोला नहीं नहीं, तूने पेन बेचने के लिए राजी तो हो गया। तो फिर हमारा मैटर गया कोर्ट। अब कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, कोर्ट ने बोला कि यहां पे दो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन एग्जिस्ट कर रहे हैं, पहला विल यू सेल द पेन, दूसरा कोट मी द प्राइस। तो अगर मान लीजिए आपके दोस्त ने आपको सिर्फ प्राइस बताया पेन का, तो इससे कहां साबित होता है कि वो पेन बेचने को राजी है? इससे कहां साबित हो रहा है कि उसने आपके पेन को खरीदने का जो वो जो ऑफर था उसको एक्सेप्ट कर लिया? तो कोर्ट ने बोला नो, दीज आर टू इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस, और आप किसी भी ऐसी चीज को जिस पे उसने जवाब नहीं दिया, आप उसको एक्सेप्टेंस ट्रीट नहीं कर सकते, आप उसे एक्सेप्टेंस मान नहीं सकते। तो ये तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। अब चौथी जजमेंट पे बात करते हैं। चौथी जजमेंट है हेंडरसन वर्सेस स्टीवेंसन। हेंडरसन वर्सेस स्टीवेंसन एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, और जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं उनके लिए तो खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हुआ क्या, अब मैं फिर से एक एग्जांपल देता हूं, मैं कहानी उसी केस की कहानी बता रहा हूं आपको अपना नाम देके। मैं एक स्टीमर में ट्रैवल कर रहा था, तो मैंने उसकी टिकट खरीदी, और स्टीमर की टिकट पे कहीं ये लिखा हुआ था पीछे कि अगर खुदा ना खास्ता आप जो गुड्स कैरी कर रहे हैं या फिर आप जो गुड्स ले जा रहे हैं अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं रस्ते में, तो उसके लिए वो कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। ध्यान रखिएगा वो लिखा हुआ था उस टिकट पे, उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। लेकिन उस वो बात कहां लिखी हुई है, इसके लिए कहीं कोई इंडिकेशन नहीं दिया हुआ था, इसके लिए कहीं कोई मार्क नहीं दिया हुआ था। ध्यान रखिएगा बात जरूर लिखी थी, लेकिन सामने वाला जो टिकट खरीदने वाला है, वो जो पैसेंजर है, उसको कैसे पता चलेगा कि वो टर्म्स एंड कंडीशन कहां लिखी है, इसके लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं थी। मैंने टिकट ले ली, मैं रस्ते में जा रहा हूँ स्टीमर से, अब मेरा फर्दर सामान डिस्ट्रॉय हो गया, एक्सीडेंट हुआ, मेरा सामान डिस्ट्रॉय हो जाता है। सामान डिस्ट्रॉय होने के बाद मैं क्लेम करने पहुंचा उस कंपनी के पास, स्टीमर कंपनी के पास। कंपनी ने बोला सर देखिए हमने तो आपको पहले ही टर्म्स एंड कंडीशन बताई थी, और जैसे ही आपने हमारी कंपनी का स्टीमर टिकट खरीदा, इसका मतलब आपने उन सारे टर्म्स एंड कंडीशन को भी एक्सेप्ट कर लिया। तो मैं गया कोर्ट, मैंने कोर्ट में बोला सरकार दुहाई हो, ये तो बड़ी गलत बात हो रही है मेरे साथ। तो कोर्ट ने इस मामले में बोला कि देखिए आपने टर्म्स एंड कंडीशन उस टिकट पे लिखी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस स्टीमर कंपनी की एक और जिम्मेदारी बनती थी, एक और ड्यूटी बनती थी कि वो कंडीशंस को कहां लिखी है, इसका इंडिकेशन, इसका कोई सिग्निफिकेंस तो दे, ताकि वो पैसेंजर जो उस टिकट को खरीद रहा है उसे पता चले कि नहीं यहां पे ऐसी कोई कंडीशन एग्जिस्ट करती है। तो इसीलिए हेंडरसन वर्सेस स्टीवेंसन के केस में कोर्ट ने बोला कि कंपनी विल बी हेल्ड लायबल। कंपनी ने टर्म्स एंड कंडीशन लिखी थी मगर उसे इंडिकेट नहीं किया था। तो ये हेंडरसन वर्सेस स्टीवेंसन की जजमेंट है। इसका जस्ट अपोजिट पार्कर वर्सेस साउथ ईस्टर्न रेलवे की जजमेंट है। इसका जस्ट अपोजिट, इसमें क्या हुआ वो सुनिए। मैं एक रेलवे स्टेशन गया, वहां के क्लोक रूम होता है, वहां जहां पे आप सामान रखते हैं रेलवे स्टेशन पे, तो वहां पे क्लोक रूम मैंने लिया, और क्लोक रूम पे मुझे एक टिकट मिली, मेरे सामान की रसीद मिल गई मुझे। उस रसीद के फ्रंट पे ही लिखा हुआ था सी बैक, मतलब पीछे देखें, पेज पलटें, और पीछे टर्म्स एंड कंडीशन लिखी थी। अब उस टर्म्स एंड कंडीशन में क्या लिखा था वो सुनिए। उसमें लिखा था कि अगर आपका सामान 10 पाउंड से ज्यादा वैल्यू का है और वो गुम हो जाता है, तो उसके लिए रेलवे अथॉरिटीज, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार नहीं होगा। ये उस पर लिखा हुआ था, और ध्यान रखिएगा पिछली केस में कहीं कोई इंडिकेशन नहीं थी हेंडरसन के केस में, लेकिन यहां पार्कर वाले केस में फ्रंट पेज पे, टिकट के फ्रंट पे लिखा था सी बैक, मतलब पीछे देखें। तो उस केस में फर्दर हुआ क्या कि उसका सामान लॉस्ट हो गया, जो सामान उसका था, मतलब पार्कर का जो सामान था वो 10 पाउंड से ज्यादा का था और वो गुम गया। भैया ट्रेन अथॉरिटी, जो रेलवे अथॉरिटी, उसने डिनाई कर दिया किसी भी तरीके की लायबिलिटी। उसने बोला हमने आपको टर्म्स एंड कंडीशन तो पहले लिखे दी थी। सेम मैटर गया कोर्ट, कोर्ट ने यहां पे डिफरेंट जजमेंट दी, जो उसने हेंडरसन में दी थी उससे अलग जजमेंट दी। कोर्ट ने बोला
यहां पे भी टर्म्स एंड कंडीशन है, मगर यहां पे इंडिकेशन क्लियरली लिखा हुआ है टिकट के फ्रंट पे सी बैक। दैट मींस यहां पे उस पैसेंजर की, उस बंदे की, उस पर्सन की जो सामान रखने आया, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि पीछे देखे, क्योंकि उसको ये इंडिकेशन, उसको ये सिग्निफिकेंस मिल चुकी है कि पीछे कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि वहां जो वर्ड है सी बैक वो लिखा हुआ था। तो इस केस में रेलवे कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनी और पार्कर को कुछ भी नहीं मिला। अब अगली जजमेंट बात करते हैं। अगली जजमेंट है राम्स गेट विक्टोरिया होटल वर्सेस मॉन्टेफियोर। इसमें हुआ क्या, एक बंदा है वो गया एक होटल में, उसको होटल इतना पसंद आया कि उसने बोला सर मैं ना आपका होटल खरीदना चाहता हूं। मैं उसने ऑफर दे दिया, बोला सर मैं आपका होटल खरीदना चाहता हूं और इवन कि मैं आपके बैंक अकाउंट में कुछ एडवांस पैसा भी जमा करा देता हूं। लो सर मेरे को आपका होटल बड़ा पसंद है, मुझे खरीदना है। और उसने कुछ पैसा उसके बैंक अकाउंट में, होटल वाले के बैंक अकाउंट में जमा करा दिया, ऑफर दे के आ गया और उसने ये बोल दिया सर जल्दी से जल्दी बता देना मुझे, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से जल्दी बता देना, ये बोल के वो बंदा ऑफर दे के निकल गया। अब 6 महीने बाद उस ऑफर की एक्सेप्टेंस आई, मतलब जो ऑफर 6 महीने पहले दिया हुआ था उसकी एक्सेप्टेंस उस होटल वाले ने, होटल के मालिक ने 6 महीने बाद दी कि सर मैं बेचना चाहता हूं आपका होटल। अब ये क्यों हुआ था वो भी सुन लीजिए। 6 महीने बाद तक ना होटल की जो वैल्यूएशन थी, जो लैंड जमीन की वैल्यूएशन थी, वो गिर चुकी थी। उसने 6 महीने बाद एक्सेप्टेंस दी। अब ये जो बंदा है मॉन्टेफियोर, अब ये इंटरेस्टेड ही नहीं है होटल खरीदने में, इसने मना कर दिया, बोला नहीं नहीं सर मैं नहीं खरीद रहा। अब पॉइंट यहां पे ये उठा कि इसने ऑफर को तो विड्रॉ किया नहीं था, ऑफर को तो रिवोक किया नहीं था, इसका मतलब तो क्या ऑफर वैलिड था, अभी भी 6 महीने तक वैलिड था ऑफर। तो मैटर गया कोर्ट, कोर्ट ने बोला कि जब किसी ऑफर में कोई टाइम नहीं मेंशन होता है कि वो ऑफर कब तक वैलिड रहेगा और वो ऑफर कब लैप्स होगा, कब खत्म होगा, तब उस केस में रीजनेबल टाइम जज किया जाता है। और रीजनेबल टाइम कोर्ट जज करती है, वो कोर्ट के डिस्क्रिशन के ऊपर है। और कोर्ट भी कैसे जज करती है, तो वो फैक्ट टू फैक्ट सर्कमस्टांसेस, डिफरेंट केस में डिफरेंट रीजनेबल टाइम हो सकता है। तो कोर्ट ने इस केस में बोला 6 महीना ये मोर देन रीजनेबल टाइम है, ऑफर लैप्स हो चुका है, 6 महीना इज नॉट अ रीजनेबल टाइम किसी ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए। मान लीजिए मैंने आज ऑफर दिया तो आप उसकी 6 महीने बाद हाँ कर रहे, दिस इज नॉट अ रीजनेबल टाइम। तो इस केस में बेचारे विक्टोरिया होटल वाले को कुछ नहीं मिला, उसको नुकसान झेलना पड़ा। अब मैं आज की लास्ट जजमेंट आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसका नाम है पॉवेल वर्सेज ली। ये बड़ी इंटरेस्टिंग जजमेंट है। पॉवेल वर्सेज ली में क्या हुआ कि एक बंदा है, उसने टीचर की नौकरी के लिए अप्लाई किया एक स्कूल में, बड़ा अच्छा इंटरव्यू गया, उसका सिलेक्शन होना लगभग पॉसिबल था। उसको बता दिया गया ठीक है वी विल कॉल यू, हम आपको बताएंगे कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं, अभी कंफर्म नहीं किया लेकिन स्कूल अथॉरिटी ने बोल दिया कि हम आपको बताएंगे। अब उसी स्कूल में उसका कोई जानकार भी रहता होगा, उस जानकार ने उस बंदे को बता दिया भाई तेरा इंटरव्यू बढ़िया गया था, तेरा सिलेक्शन लगभग पॉसिबल है। ये बंदा खुश, मतलब इसको र्यूमर से, मतलब एक अनऑथराइज सोर्सेज से खबर आ चुकी है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। अब हुआ क्या, कुछ दिनों बाद जब वो स्कूल गया तो उसे पता चलता है कि वो तो रिजेक्ट हो चुका, उसका सिलेक्शन हुआ ही नहीं। अब उसने चैलेंज कर दिया कि आपने तो मुझे पहले सेलेक्ट किया था, और वो कोर्ट पहुंच गया, भैया मेरे को तो नुकसान कर दिया इन्होंने। कोर्ट ने बोला कि आपको सेलेक्ट किया है या नहीं किया है ये डायरेक्ट किसी ऑथराइज्ड सोर्स से कहां पता चला है, आपको तो एक अनऑथराइज्ड सोर्स से पता चला, वो तो एक र्यूमर की तरह है। इसीलिए अगर आपको इसने लॉ में, लॉ ने यहां पे क्या कहा, कोर्ट ने यहां पे क्या लॉ स्टेट किया, मैं वो बताता हूं। कोर्ट ने बोला कि अगर आपको एक्सेप्टेंस आ रही है तो वो एक्सेप्टेंस या तो ऑफरी के द्वारा आनी चाहिए या फिर ऑफरी के किसी ऑथराइज्ड एजेंट के द्वारा आनी चाहिए। आप किसी भी अनऑथराइज सोर्स से हाँ सुन के आ जाएंगे और अब बोलेंगे कि नहीं नहीं आपने तो हाँ कर दी, तो ऐसे वो चीज़ वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगी। तो कोर्ट ने बोला कि आपको जहाँ से भी खबर लगी हो, अगर आपका रिजेक्शन हुआ है, आपको ऑथराइज सोर्सेज ने अभी मना कर दिया था, आपका सिलेक्शन नहीं किया, तो दैट मीन्स आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये कुछ जजमेंट्स इंपॉर्टेंट मैंने डिस्कस करी, ये पार्ट वन मैंने केस लॉ का कॉन्ट्रैक्ट का आपका डिस्कस किया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पे जाके आप बहुत सारी प्लेलिस्ट को खोल सकते हैं, लॉ की मिलेगी आपको, एसएससी की मिलेगी, पॉलिटी की, मैथ की भी मिल जाएगी आपको, कंप्यूटर साइंस की भी कुछ वीडियोज हैं, तो आपको काफ़ी मदद हो सकती है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी, थैंक यू सो मच।